हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, मैं दीपक तिर्थयानी आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं आज एक बहुत ही शानदार और एक गजब का इवेंट लेकर, जिसके अंदर दोस्तों आप लोग मात्र 2 मिनट के अंदर 10 तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करना सीखेंगे, यानी उनके अंदर ट्राइंगल गिनना सीखेंगे। तो काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल के बहुत ही प्यारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिले तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये 10 फिगर लगभग आपके पास में है और आप लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे, 10-11 फिगर है। चलिएगा, देखिएगा इधर ध्यान से, यहां पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5। अगर इस तरीके का शेप आ जाए जिसके अंदर दो बड़े ट्राइंगल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों और आउटर साइड पे 6 ट्राइंगल बने हैं, तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, टोटल 8 ट्राइंगल्स होंगे। अगर इस तरीके का स्टार आपको दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर 5 ट्राइंगल्स आपको डायरेक्टली काउंट करने को मिल रहे हैं, तो इसके अंदर हमेशा याद रख लेना डबल होंगे 10, 5 वाले में 10 लेकिन 6 वाले में 8। अगर 3 माध्यिकाएं एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है, 3 मीडियन अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एक सेंटर पॉइंट से, और अगर अंदर 6 भाग बन रहे हैं, 6 पोर्शंस बन रहे हैं, तो उसके आगे आगे 1 लगा देना, यानी 16 ट्राइंगल होंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर इसी तरीके से 1 मीडियन आपने गायब कर दी, सिर्फ 2 मीडियन अगर आपको सामने दिखाई दे रही है, 2 मीडियन से दोस्तों अंदर पोर्शन कितने बनेंगे, 4 पोर्शंस बनेंगे, तो याद रख लेना आपको 4 के आप क्या कर देंगे, 8 कर देंगे, इसके अंदर टोटल मिला के 8 ट्राइंगल्स होंगे, आप आराम से काउंट कर सकते हैं। यहां पर देखिए, किसी क्लोज्ड फिगर के अंदर अगर इस तरीके का शेप दे रखा है, किसी स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर अगर इस तरीके का शेप है जो एक सेंटर पॉइंट से अगर आप लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो अंदर अगर 4 या 4 से अधिक खंड बनते हैं तो कुल त्रिभुजों की संख्या हमेशा डबल कर देंगे आप। यहां पर 8 है तो यहां पर बताइएगा फटाफट से कितना होगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जस्ट डबल कर देंगे आप। यहां पर अगर इंटरनली 8 पोर्शन हैं तो टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अगला फिगर देखते हैं, अगर वर्टेक्स को अपोजिट साइड से ज्वाइन कर रखा है ट्राइंगल में, तो आप सीधा क्या करेंगे, इनको आप ऐड कर देंगे, अंदर बनने वाले खंडों को अंक दे देंगे और इनको आप ऐड कर लीजिए। 1+2 कितना हो गया, 3। यहां पर कितना हो रहा है, 1, 2, 3, तो 1+2+3 कितना हो जाएगा, 6। यहां पर आप देखिएगा दूसरे टाइप का एक फिगर है जिसमें ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दे रखा है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 4n-3 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 4n-3 का सीधा सा मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे टोटल कितने एक्चुअल में कितने ट्राइंगल है, 2, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 रख देंगे आप, 4 × 2-3, ठीक है, 8-3 कितना हो गया, 5। और दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, लास्ट वाला, ठीक है, इसका आप लोग जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। टोटल 10 मैंने बता दिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बड़ा मजा आया, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आप लोगों के लिए आता रहूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बढ़िया तरीके से लाइक कर दीजिएगा गाइस। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।